2023 में कितने पैसे मिलते हैं कोर्ट मैरिज करने वाले को? नहीं बता यार, सब वीडियो देखेंगे फिर बता। नहीं बताऊंगी क्योंकि सब लोग मेरी वीडियो को देखते ही नहीं है। जब देखेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि कितने पैसे मिलते हैं 2023 में, कितने पैसे बढ़ा दिए सरकार ने कोर्ट मैरिज करने पर। हेलो गाइज, वेलकम माई यूट्यूब चैनल मनीषा राजू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत अच्छी न्यूज़, जो कई लोग हमें फ़ोन करके भी पूछते हैं और क्या कोर्ट मैरिज में पहले कितने पैसे मिलते हैं और अब कितने मिलते हैं 2023 में। बहुत ज़्यादा मिलते हैं ना, बहुत। जी हाँ, अब कोर्ट मैरिज करने में बहुत ज़्यादा पैसे मिलने लग गए हैं, लेकिन कास्ट वैसे ही रहनी चाहिए, एक एससी में और एक उससे थोड़ी उच्च कास्ट में होना चाहिए, तभी इतने पैसे मिलते हैं। और आप तो सोच भी नहीं सकते कि कितने पैसे मिलते हैं इतने पैसे। एक तो एससी का होना चाहिए, बाकी एक जनरल में कोई भी हो सकता है, जैसे ओबीसी हुआ और कुछ, बहुत से लोग आते हैं ना, कुछ भी हो, लेकिन एक इंटरकास्ट में होना चाहिए, तभी 5 लाख रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। 5 लाख तो पहले मिलते थे, लेकिन 2023 के नियमों के अनुसार सरकार ने बहुत ज़्यादा पैसे कर दिए। हमको तो 5 ही मिलेंगे यार, क्योंकि हमने 2023 से पहले कर दिया और सरकार के नियमों के अनुसार जो पैसे बढ़ाने की बात हुई है और तय हुआ तो वो 2023 के नियमों के अनुसार ही हुआ है। 2023 के बाद जिन्होंने भी कोर्ट मैरिज की है या करेंगे उनको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो कितने पैसे मिलते हैं इसको जानने से पहले आप सभी को अपने, जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड की कसम है, मेरे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, फिर हम बताएंगे कि कितने पैसे बढ़ गए हैं कोर्ट मैरिज करने में, कितने ज़्यादा पैसे मिलने लग गए हैं। तो गाइज, सरकार है ना जो इंटरकास्ट को बढ़ावा दे रही है ताकि लोग एक दूसरे से मिल के रहे, ये तो आप जानते हो, इसलिए सरकार ने कुछ रूल के अनुसार कोर्ट मैरिज पे बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा दिया है। और कई लोग है ना उठा के लेके चले जाते हैं तो उनको, किसी को पैसा नहीं मिलेगा। या ध्यान रखना, पैसा लेने के लिए आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा या आपके समाज कल्याण विभाग में जाके एक नोटिस देना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। हमने बहुत आपत की है लेकिन अभी तक कुछ हुई भी नहीं है। तो हमारा भी जो पैसे मिलने का फॉर्म था वो 29 नवंबर को अप्रूव हो चुका है, अब हमको कभी भी पैसे मिल सकते हैं। जो हमको 2.5 लाख तो केस मिलेंगे और 2.5 लाख की हम दोनों की FD होगी जो 8 साल में निकलेगी, तो जो 2.5 मिलेगा उससे मैं छोटा सा घर लूँगा, मनीषा को खुश रखा जाऊँगा। तो गाइज, आपको बता दूँ कि इस 2023 के नियमों के अनुसार यानी 2023 के बाद जो भी शादी करेंगे तो उसको कितने पैसे मिलेंगे ये मनीषा बताएगी। उसको मिलेंगे अब 10 लाख रुपये। 10 लाख, बाप रे बाप, 10 लाख में ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अब कोर्ट मैरिज करने वालों को मिलेंगे 10 लाख रुपए सरकार के नियमों के अनुसार। हमको आज ही पता लगा है क्योंकि मैं आज गया था तो वहाँ पे समाज कल्याण में, तो वहाँ पे पूछा था तो वहाँ कई लोगों ने बताया कि अब 10 लाख रुपए मिलेंगे और पेपर में भी आ चुका है कि अब कोर्ट मैरिज इंटरकास्ट को मिलेंगे 10 लाख रुपये। एंजॉय। तो दोस्तों, अभी हमारे पास अच्छा फ़ोन नहीं है वीडियो बनाने के लिए, देखो मेरी बंदर की जैसी शक्ल आ रही है इसमें, लेकिन क्या करें, जितना बनाते हैं उतने में खुश है। और आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि हम जितना वीडियो बना पाते हैं उसको आप थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, आप लोग हमें थोड़ा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारी तरफ से बाय बाय और टाटा। अगर हम दोनों का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर तो कोई नहीं करता जहाँ तक पता है, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा मेरे नहीं लिए, तो इसके लिए ज़रूर कर देना।
हूँ।